आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। अनुरत सेमिनार। हमारे दृष्टिकोण की व्यापकता और कार्यक्रम के विस्तार में अनुरत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस बात को यों भी कहा जा सकता है कि अनुरत हमारे कार्यक्रम की रीढ़ है। अनुरत के प्रथम अधिवेशन में 500 से अधिक व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग किया। उस घटना ने देश विदेश के प्रबुद्ध वर्ग को चौंका दिया। अनुरत के प्रथम दशक में लाखों व्यक्ति उसकी प्राथमिक आचार संहिता से जुड़ गए। लगभग 4000 व्यक्तियों ने अनुरति के रूप में अपनी पहचान बना ली। शिक्षा जगत में अनुरत दर्शन को संप्रेषित करने के लिए प्राय प्रतिवर्ष अनुरत विद्यार्थी सप्ताह आयोजित हुए। साधु साधियों की ओर हमारी यात्रा में जहां जहां विद्यालयों में कार्यक्रम हुए, वहां विद्यार्थियों में अनुरत की बात बताई गई। लाखों विद्यार्थी अनुरत के नाम से परिचित हो गए। विद्यार्थी अनुरत के फॉर्म में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए। देश के प्रबुद्ध लोगों का चिंतन रहा कि अनुरत को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए दिल्ली में उसका सेमिनार किया जाए। अनुरत आंदोलन की विकास प्रक्रिया पर गंभीर विचार विमर्श की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। YMCA हॉल में 2 दिसंबर 1956 को प्रातः अनुरत सेमिनार का उद्घाटन कार्यक्रम था। हम ठीक 9:30 बजे वहां पहुंच गए। सेमिनार का उद्घाटन अनंत शयनम आयंगर करने वाले थे। अस्वस्थता के कारण वे आ नहीं सके। उनका काम यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लूथर इवेंस ने किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, संसार समस्याओं से घिरा है, मनुष्य अशांत हैं, हम यूनेस्को के द्वारा शांति का वातावरण बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इधर अनुरत भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसकी सफलता चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि यह संसार में फैले और शांति का मार्गदर्शन देता रहे। डॉक्टर इवेंस के अभिभाषण से पहले ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की म्यूजिक डायरेक्टर श्रीमती मुटाटकर ने मंगल संगान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने स्वागत भाषण किया। मैंने अपने वक्तव्य में विस्तार से अनुरत दर्शन पर प्रकाश डाला। शोषण और अशांति की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपरिग्रह, अहिंसा और अभय, इस त्रिसूत्री कार्यक्रम को लोकव्यापी बनाने पर बल दिया। इंडियन नेशनल चर्च के सर्वोच्च अधिकारी फादर जे एस विलियम्स ने अनुरत पर प्रभावी वक्तव्य दिया। अनुरत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के संस्मरण सुनाए। इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, रूस आदि देशों की यात्रा में उन्होंने अनुरत का अच्छा काम किया। अनुरत समिति की ओर से आभार ज्ञापन का काम मोहनलाल जी कठोतिया ने किया। रात्रि में श्री जे बी कृपलानी और उनकी धर्मपत्नी सुचेता कृपलानी ने दर्शन किए। प्रथम साक्षात्कार में कृपलानी जी जितने रुखे और अव्यवहारिक लगे, अगली मुलाकात में वे उतने ही विनोदी और खुश मिजाज प्रतीत हुए। उस दिन भी उन्होंने खुलकर बातें की और वातावरण को सरसता से भर दिया। कृपलानी जी को वहां लाने वाले थे शिवचंद राय जी डाबड़ीवाल। उनके साथ वार्तालाप चल रहा था, उसी समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री विश्वनाथ वर्मा आ गए। उन्होंने कहा, कल मध्याह्न में आप राष्ट्रपति भवन पधारने का अनुग्रह करें। राष्ट्रपति जी आपसे बात करेंगे, वहां आपके स्वागत और प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस दृष्टि से मैंने पूछा, वहां हमारे साथ कितने लोग आ सकते हैं? वर्मा जी बोले, 1200 लोग की व्यवस्था है, महिलाएं भी आ सकती हैं। राष्ट्रपति भवन में इतने बड़े स्तर का आयोजन करने में सुगनचंद जी आचलिया और शुभकरण दसानी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। आदर्श साहित्य संघ के कुछ अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। 2 दिसंबर को सूर्य ग्रहण था। आहार का काम प्रथम प्रहर में हो गया। अनुरत सेमिनार का उद्घाटन कार्यक्रम भी हो चुका था। दूसरी संगोष्ठी राष्ट्रपति भवन में आयोजित थी।
श्रावक श्राविकाओं और अनुवर्ती कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समुदाय हमारे साथ था। वर्तमान परिस्थितियों में बड़े राजनेताओं के आवास स्थलों और कार्यक्रमों पर अनेक पाबंदियां हैं तथा सुरक्षा की व्यवस्था बहुत कड़ी है। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। प्राचीन काल में साधु संतों को राजघरानों में ससम्मान बुलाया जाता था और उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था। राष्ट्रपति के साथ हमारा एकांत वार्तालाप हुआ। फिर राष्ट्रपति महोदय हमारे साथ ही कार्यक्रम स्थल मुगल गार्डन में आ गए। कुमारी यामिनी तिलकम ने संस्कृत में मंगल गान किया। मेरे प्रवचन के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। लगभग 1000 लोगों की उपस्थिति होने पर भी कार्यक्रम में शांति और व्यवस्था उल्लेखनीय रही। सुरक्षा की दृष्टि से कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद राष्ट्रपति जी की ओर से सब लोगों को नारंगी का रस पिलाया गया। मुगल गार्डन से राष्ट्रपति जी हमारे साथ साथ बाहर आए। उस दिन वहां दलाई लामा और पंचेन लामा आने वाले थे। उनका प्रसंग चला तो राष्ट्रपति जी ने कहा, लामा ऊपर अशोक हॉल में होंगे, मैं जानकारी कर आपको सूचना भिजवाता हूँ। कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति जी के निजी सचिव ने आकर लामाओं के बारे में सूचना दी। हम उनके साथ ऊपर गए। वहाँ दोनों लामा पंडित नेहरू और कुछ प्रमुख व्यक्ति हॉल का निरीक्षण कर रहे थे। हमें देखते ही वे हमारे निकट आ गए। दलाई लामा ने हमारे संबंध में जिज्ञासा की। पंडित नेहरू ने हमारा परिचय दिया। मैंने कहा, आज राष्ट्रपति भवन में जैन और बौद्ध श्रमण संस्कृति की इन दो धाराओं का मिलन हो रहा है। आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। दलाई लामा ने भी प्रसन्नता प्रकट की। हम आपस में संवाद करना चाहते थे किंतु हमारे सामने भाषा की कठिनाई थी। दलाई लामा हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते थे। मैं तिब्बती और अंग्रेजी नहीं समझता था। फिर भी हम बात करने में सफल हुए। हमारे वार्तालाप के मध्य थे पंडित नेहरू और दलाई लामा का दूभाषिया। पंडित जी ने हमारा परिचय अंग्रेजी में दिया। दूभाषी ने उसका तिब्बती में अनुवाद किया। दलाई लामा तिब्बती में बोले, दूभाषी ने उसे अंग्रेजी में बताया। पंडित नेहरू ने वह बात हमें हिंदी में बताई। प्रसन्न और उत्सुकतापूर्ण वातावरण में कुछ समय तक बातचीत हुई। फिर हम वहां से बाराखंबा रोड पर अपने आवास स्थल की ओर चले गए। राष्ट्रपति भवन में हुए आयोजन से जैन शासन, 13 पंथ और अनुव्रत की महिमा हुई। लोगों ने अनुभव किया कि उस दिन का सूर्य ग्रहण उनके लिए मंगल में परिणित हो गया। 3 दिसंबर को अनुव्रत संगोष्ठी का दूसरा दिन था। बम्बई निवासिनी श्रीमती कांताबेन जवेरी और सुश्री इलाबेन जवेरी के मंगल गान से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। उस दिन के वक्ता थे मुनि नथमल जी, सुप्रसिद्ध कवि और सांसद श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, समाजवादी विचारक, आचार्य कृपलानी, बम्बई की पूर्व मेयर श्रीमती सुलोचना मोदी, जीवन साहित्य के संपादक श्री यशपाल जैन और अनुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री पारस जैन। सभी वक्ताओं ने अनुव्रत के बारे में मंझे हुए विचार रखे। कृपलानी जी का वक्तव्य गहरा होने पर भी विनोदपूर्ण लहजे का था। उन्होंने कहा, व्रत अच्छे हैं पर मैं इनके लायक नहीं हूँ। मेरा जीवन राजनीति में रचा पचा है, धर्म में निष्ठा अवश्य है पर उसमें मेरा प्रवेश नहीं है। मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए किंतु मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि व्रतों के बिना दुनिया चल नहीं सकती। व्रतों को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। मैं व्यक्ति सुधार में विश्वास नहीं रखता, सामूहिक सुधार को सत्य मानकर चलता हूँ। व्यक्ति सुधार की प्रक्रिया में वह वेग और उत्साह नहीं रहता जो सामूहिक सुधार में रहता है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों को आकृष्ट कर लेते हैं। अनुव्रत आंदोलन इस दिशा में मार्ग सूचक बने, ऐसी मेरी भावना है। मैंने अपने प्रवचन में व्रत चेतना के विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। विचार गोष्ठी को सार्थक बताते हुए मैंने कहा, अनुव्रत गोष्ठी में वक्ताओं ने नए नए विचार दिए हैं। विचारों की क्रांति आचार को उत्पन्न करती है। आचार जीवन की दिशा बदलता है। इससे केवल व्यक्ति ही नहीं समाज और देश भी लाभान्वित होते हैं। 4 दिसंबर को अनुव्रत सेमिनार का आखिरी कार्यक्रम था। उसमें विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। उनकी संख्या लगभग 30 थी। जैन और बौद्ध भिक्षु का संगम उस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण था। देश विदेश से समागत प्रबुद्ध व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। राज्य कर्मचारी और विशिष्ट अधिकारी भी उत्सुकता के साथ आए थे। उस दिन का विषय था अहिंसा और विश्व शांति। सबसे पहले वक्ता थे मुनि बुद्धमल जी। उनके बाद राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर, श्रीमन नारायण,
दिल्ली राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर सुशीला नायर, हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एम कृष्णमूर्ति, संसद सदस्य श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सावित्री निगम, श्री गोपीनाथ अमन आदि व्यक्तियों ने प्रासंगिक विषय पर खुलकर विचार व्यक्त किए। मैंने अपने विस्तृत प्रवचन के उपसंहार में कहा, जो लोग शांति के लिए अणु बम और हाइड्रोजन बम का उपयोग करते हैं, वे अमृत पाने के लिए अजगर के मुंह में हाथ डालते हैं। संसार में सुख और शांति से रहना है तो मनुष्य को अमृत के मार्ग पर आना ही होगा। मैं यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूँ कि वे तटस्थ भाव से अनुरोध पर विचार करें और उनको जीवनगत करने का प्रयास करें। अनुरोध समिति के मंत्री जयचंद लाल जी दफ्तरी ने आभार ज्ञापन किया। श्री दफ्तरी जी आदर्श साहित्य संघ के व्यवस्थापक थे। उनकी दबंगता, उत्साहशीलता, कर्मठता, निष्पृहता और समर्पित भाव से काम करने की मनोवृत्ति उल्लेखनीय थी। वे कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने छोटे बड़े अनेक कार्यकर्ताओं को अनुरोध के साथ जोड़ा। उन्होंने धर्म संघ के लिए जो काम किया उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम की संपन्नता लगभग 1 बजे हुई। उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री ए के सेन तथा उनकी धर्मपत्नी आरती देवी ने अनुरोध के नियम स्वीकार कर अनुरोध किया कि उनके नाम अनुरोधी भाई बहनों की सूची में जरूर लिखे। मध्यान्ह में अनुरोध समिति की कार्यकारिणी की गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि समिति का कार्यालय दिल्ली में रहेगा। वैसे अनुरोध सेमिनार का त्रिदिवसीय कार्यक्रम अनेक दृष्टियों से प्रभावी रहा। समाचार पत्रों में प्रकाशित संवादों को पढ़कर लाखों लोग अनुरोध से परिचित हुए। अनेक नए व्यक्ति संपर्क में आए। उन्होंने अनुरोध कार्य में अपना सहयोग देने की भावना प्रकट की। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल तथा अनेक विदेशी लोगों के साथ अच्छा परिचय हुआ। 4 दिसंबर को रात्रि में 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने लगभग 15 मिनट तक अनुरोध सेमिनार तथा राष्ट्रपति भवन में हुए आयोजन की संक्षिप्त झांकी प्रसारित की। आंखों देखा हाल शीर्षक के अंतर्गत श्री यशपाल जैन ने प्राय सभी वक्ताओं के वक्तव्यों का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया। बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली में अनेक देशों से बौद्ध भिक्षु आए थे। लंका से आए कुछ बौद्ध भिक्षु 5 दिसंबर को प्रातः बारखंबा रोड पर 22 नंबर कोठी पर मिले। औपचारिक वार्तालाप के बाद बौद्ध भिक्षु धर्मेश्वर बोले, सिलोन में 30,000 भिक्षु हैं। प्रत्येक 1,000 में एक प्रतिनिधि के रूप में हम 30 भिक्षु यहाँ आए हैं। जैन और बौद्ध धाराओं का संगम नई संभावनाओं का प्रतीक है। हमें मिलजुल कर एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए। हमारे सामने एक अवसर है। आज दुनिया अशांत है, वह शांति की टोह में है। हम जो योजना तैयार करेंगे उसको दुनिया में पहुंचाना होगा। हम उसे लेकर अमेरिका, जापान, चीन, तिब्बत आदि देशों में घूमेंगे। मेरा विश्वास है कि यह योजना विश्व शांति का साधन बन सकेगी। धर्मेश्वर जी की बात सुनकर मैंने कहा, आपका चिंतन ठीक है। इस प्रकार की योजनाओं के लिए हम सोचते ही रहते हैं। समन्वय सफलता का अमोघ मंत्र है। हमने अनुरोध आंदोलन की आचार संहिता के प्रारंभ में बौद्ध, जैन और वैदिक तीनों धर्मों के समन्यात्मक पद्ध दिए गए हैं। उनके आधार पर यह फलित होता है कि सबू सयाने एक मत। हम विश्व शांति और विश्व मानव के चरित्र को सामने रखकर कोई योजना बना सके तो बहुत सुंदर काम होगा। वार्तालाप के प्रसंग में हमने बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कुछ जिज्ञासाएं की। हीनयान, महायान, सीएम निकाय, अमल निकाय, लंका और तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं की चर्या का अंतर, दलाई लामा आदि के बारे में अच्छी चर्चा हुई। ज्ञानश्री नामक बौद्ध भिक्षु ने जैन मुनियों के आचार व्यवहार के संबंध में कुछ प्रश्न उपस्थित किए। लगभग 1 घंटे तक वह क्रम चला। वातावरण सौहार्दपूर्ण रहा। 5 दिसंबर को रात्रि में मॉरल री आर्मामेंट के 3 प्रतिनिधि मिस्टर डब्ल्यू ई पार्टर, मिस्टर जी एफ स्टीवेंस, मिस्टर जे एस हडसन तथा उस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले लोकसभा के सांसद श्री राजाराम व्यास आए। उन्होंने अपने कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और अनुरोध के बारे में जानकारी ली। लगभग 1 घंटे के विचार विमर्श से स्पष्ट हुआ कि दोनों कार्यक्रम मूलतः एक लक्ष्य से प्रेरित हैं। एक कार्यक्रम का प्रारंभ विदेश में हुआ और दूसरा भारत की धरती पर अस्तित्व में आया। समान लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण उनका सहज ही अनुरोध के साथ संबंध जुड़ गया। 6 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस के समाचार संपादक श्री चमनलाल सूरी मिलने आए।
उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, आचार्य श्री आप यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने अपनी यात्रा और अनुरोध के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस पर सूरी ने कहा, कुछ समाचार पत्रों में अनुरोध की चर्चा मैंने भी पढ़ी थी किंतु उसमें विशेष रस नहीं लिया। आज आपसे जो कुछ सुना उसके बाद आपके आंदोलन में आकर्षण बढ़ा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री मोरारजी के विशेष अनुरोध पर 6 दिसंबर को प्रातःकाल हम बारखंबा रोड से 5 किलोमीटर दूर उनके निवास स्थान पर गए। प्राय साधु हमारे साथ थे, 40-50 भाई बहन भी थे। कक्ष के बाहर बरामदे में हमारा वार्तालाप हुआ। उसका प्रमुख विषय था बंबई की असेंबली का बाल दीक्षा विरोधी बिल। मोरारजी भाई ने उसका दृढ़ता से विरोध किया था। वह बिल दिल्ली की लोकसभा में आने वाला था। मैंने मोरारजी भाई से पूछा, क्या दीक्षा और बाल दीक्षा विषय कोई बिल दिल्ली की लोकसभा में आने वाला है? उन्होंने उसकी पुष्टि की तो मैंने कहा, इस प्रकार के बिल आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिकूल पड़ेंगे। यह धर्म के मामले में सीधा हस्तक्षेप है। आपने बंबई में आवाज उठाई, उसका प्रभाव हुआ था। यहाँ भी आपको कुछ करना चाहिए। मोरारजी भाई बोले, मैं इस विषय में मौन नहीं रहूंगा, डटकर बिल का विरोध करूंगा। चर्चा के कुछ अन्य बिंदु भी थे, ईश्वरवाद, आत्मलोचन आदि। बात करते करते मोरारजी भाई बोले, आचार्य श्री आपका पंडित नेहरू से अच्छा संबंध हुआ है, मैं इससे महत्व देता हूँ। आप पंडित नेहरू को चर्चा में उतारिए, वे स्वयं मौन रहते हैं और दूसरों को अधिक सुनते हैं। उन्हें चर्चा में सहभागी बनाने का प्रयत्न करें, उन पर अध्यात्म का प्रभाव हो जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने कहा, ऐसा प्रयत्न आप क्यों नहीं करते? इस पर वे बोले, वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हम ऐसी बात नहीं कह सकते। आप राष्ट्र के संत हैं, आप उन्हें अध्यात्म के प्रति आकृष्ट कर चर्चा में उतार सके तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। हमें वहां से राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के घर जाना था, इसलिए हम जाने के लिए उद्यत हुए। मोरारजी भाई बोले, आचार्य जी आप बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, ऐसी कृपा फिर करें। मोरारजी भाई के बारे में आम धारणा थी कि वे बहुत कड़े व्यक्ति हैं, किंतु हमारे प्रति उनका व्यवहार अत्यंत विनम्रतापूर्ण रहा। राजश्री टंडन अस्वस्थ थे, इसलिए हम उन्हें दर्शन देने गए। वहाँ बाहरी बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यान मिल गए। हमने खड़े खड़े ही उनसे बात की। बौद्ध विद्वान धर्मानंद कौसाम्बी ने जैन श्रमणों का मांसाहार इस संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी। उसकी चर्चा करते हुए मैंने कहा, भदंत जी यह कैसे हुआ? हमारी दृष्टि में इसका प्रमाण्य नहीं है। समय कम होने के कारण पूरी चर्चा नहीं हो सकी, वह बात वहीं छूट गई। टंडन जी के निवास स्थान पर पहुंचकर हमने उनको दर्शन दिए। वे बैठने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने लेटे लेटे ही हाथ जोड़ श्रद्धा सिक्त भाव से नमस्कार कर कहा, आचार्य श्री अनुरति कार्यकर्ता मुझसे मिले थे, मैं अनुरत गोष्ठी में आने वाला था पर अस्वस्थता के कारण नहीं आ सका। आपने कृपा की, मैं स्वस्थ होते ही आपसे मिलूंगा। आप समाज को मूल रूप से बदल सकेंगे, यह सामर्थ्य आप में है। लौटते समय हमने उनको नमस्कार महामंत्र और मंगल पाठ सुनाया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। लगभग 12-13 किलोमीटर चलकर हम अपने आवास स्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री की कोठी पर दिल्ली प्रवास को सार्थक बनाने वाला एक उपक्रम था व्यापक जनसंपर्क। राजनीति, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत अनेक व्यक्ति हमसे मिले। उनमें कुछ लोग परिचित थे और कुछ अपरिचित। श्रीमन नारायण की पत्नी श्रीमती मदालसा बहन के साथ हमारा पुराना परिचय था। वह दिल्ली से बाहर भी अनेक बार हमसे मिल चुकी थी। उनके मन में हमारे प्रति श्रद्धा थी। उसकी माँ जानकी देवी बजाज तो एक प्रकार से श्राविका जैसी भक्ति रखती थी। मदालसा बहन को श्रद्धा भक्ति अपनी माँ से विरासत में मिल गई। हमारे रचनात्मक कार्यक्रम अनुरत में भी उसकी अच्छी अभिरुचि थी। 7 दिसंबर को वह आई। प्रवचन के बाद उसके साथ बातचीत हुई। उसका पंडित नेहरू के साथ भी निकटता का संबंध था। हमारे वार्तालाप में पंडित जी का प्रसंग छिड़ा तो वह बोली, नेहरू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें धर्म से अरुचि नहीं है पर उनको धार्मिक ढकोसले अच्छे नहीं लगते। उनकी प्रवृत्ति शांत हैं, पुराणपंथी लोग उन्हें यदा कदा उत्तेजित कर देते हैं। नेहरू जी का व्यक्तित्व ऊँचा है, देश के विरल व्यक्ति में उनकी गणना होती है। विदेशों में भी उनका बहुत प्रभाव है, आप उनसे मिलिए। मदलसा बहन ने कई अच्छे सुझाव दिए। उनके विचार सुनकर लगा कि वह एक प्रबुद्ध और चिंतनशील महिला हैं।
रात्रि में जर्मनी के तीन विद्वान श्री अल्फ्रेड वायर फेल्ड वॉल्टर लाइफर और वॉन हाई हाईवेच मिले। उनके साथ एक अमेरिकन महिला भी थी। उनमें दो व्यक्ति हिंदी जानने वाले थे। हम मुंबई गए उस समय वहाँ जर्मन कौंसलर हमसे मिले थे। उनके साथ वे तीन विद्वान भी थे। पूर्व परिचित होने के कारण उन्हें हमारे बारे में कुछ जानकारी थी। उनको जैन साधुओं की जीवन शैली और तेरापंथ के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। तेरापंथ का अर्थ समझकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। मैंने उनको शैक्षणिक गतिविधियों के साथ आगम संपादन कार्य एवं जैन आगम शब्द कोश के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर मिस्टर वॉल्टर बोले, हमें इस बात की जानकारी है, जर्मन विद्वान डॉक्टर रोथ आपके पास आए थे, उन्होंने जर्मन दूतावास तथा जर्मनी के कुछ विद्वानों को एक सूचना दी थी, आप लोग कभी समय निकालकर आचार्य तुलसी से अवश्य मिले, वे एक स्वस्थ धार्मिक संस्था के नेता हैं, उनके अनुशासन में अत्यंत व्यवस्थित रूप से आत्म साधना एवं अन्य साधना चलती हैं। वहाँ जो जैन आगम शब्दकोश तैयार किया जा रहा है उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसके निर्माण में अनेक साधु लगे हैं। डॉक्टर रोथ की इस सूचना से प्रेरित होकर हम आपसे मिलने आए हैं। 8 दिसंबर को प्रातःकाल हम 12 खंबा रोड से चलकर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर गए। हमारे साथ 28 साधु साध्वियाँ और सैकड़ों लोग थे। कोठी के बाहर पंडित नेहरू की सेक्रेटरी श्रीमती विमला बहन प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह हमें ससम्मान कोठी के भीतर ले गई। साधु और साध्वियाँ हमारे साथ रहीं। भाई बहनों को कोठी से बाहर बगीचे में दरी पर बिठा दिया गया। 5 वर्ष पहले कोठी के जिस बरामदे में हमने पंडित नेहरू से बातचीत की थी उसी बरामदे में हम बैठ गए। हमारे पहुंचने के 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री आए। उनका साधु साधुओं से परिचय कराया गया। बातचीत का प्रारंभ करते हुए मैंने कहा, पंडित जी हमने सुना था कि आप समय के बहुत पाबंद हैं, आज आप 20 मिनट लेट कैसे हो गए? पंडित जी ने घड़ी देखकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं, एक आवश्यक तार आ गया था, इधर मेरी बेटी इंदिरा बीमार है इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। पंडित जी की सहजता ने मुझे प्रभावित किया। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, इस वर्ष हमारा चातुर्मास सरदार शहर था, हमारे शिष्य साधु यहाँ आपसे मिले थे, उन्होंने आपको अनुरोध की जानकारी दी थी, उस समय आपने कहा था आचार्य जी को यहाँ बुलाइए, आपकी भावना हमारे पास पहुँच गई, किंतु उस समय हमारा यहाँ आना संभव नहीं था। 18 नवंबर तक चातुर्मास था, 19 नवंबर को हम चले और 29 नवंबर को यहाँ पहुँच गए। आपसे मिलने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर शायद ही कोई आया हो। 11 दिनों में 300 किलोमीटर पैदल चलने की बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंडित जी ने कहा, यह तो बहुत कठिन काम है, आपने शरीर के साथ ज्यादती की है। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस तथा अनुरोध सेमिनार की अवगति देते हुए मैंने कहा, मैं यहाँ बहुत थोड़े दिन के लिए आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बातचीत औपचारिक न होकर सार्थक उद्देश्य से प्रेरित हो। सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और आप जैसे व्यक्तियों के प्रयत्न से भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद पहला काम था देश के चरित्र को उन्नत बनाना, पर चरित्र के क्षेत्र में दिनों दिन गिरावट आ रही है, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। पंडित जी मेरे विचारों से सहमत होकर बोले, आपने जो कुछ कहा ठीक है, स्थिति विचारणीय है, अब करना क्या है? मैंने उस प्रसंग में अनुरोध की चर्चा करते हुए कहा, देश का चरित्र बातों से नहीं बनेगा, इसके लिए हमें काम करना होगा, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से जनजीवन का स्तर ऊंचा उठाना होगा। अनुरोध के द्वारा हम यही प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले हमारा मिलन हुआ था, मैंने आपको अनुरोध की गतिविधि की जानकारी दी थी, आपने पूरी बात ध्यान से सुनी पर कहा बहुत कम, आपने अब तक किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं दिया, सहयोग का संबंध पैसे से नहीं है, आपको ज्ञात होगा कि आंदोलन आर्थिक नहीं है और न ही इसे मैं राजनीति से जोड़ना चाहता हूँ। मेरी बात सुन नेहरू जी कुछ गंभीर होकर बोले, मैं जानता हूँ कि आपको पैसे नहीं चाहिए, आप इसे राजनीति से भी दूर रखना चाहते हैं, मैं ठहरा एक राजनीतिक व्यक्ति, आप मुझसे कैसा सहयोग चाहते हैं? मैंने कहा, आप जितने राजनीतिज्ञ हैं उतने ही स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं, आप इस विषय में मौन रहे इसका क्या कारण है? क्या आप इसको सांप्रदायिक आंदोलन मानते हैं, अथवा हमारी वेशभूषा और मुंह पर बंधी हुई पट्टी हमारे बीच में दीवार है, इन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, पर अनुरोध के असांप्रदायिक दृष्टिकोण पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा।
मेरे खुले विचारों को सुनकर पंडित जी बोले, आचार्य जी मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इन बातों का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं है। अनुव्रत बहुत अच्छा है, असांप्रदायिक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सीधा आपके काम में नहीं जुड़ सका, उसका कारण मेरी व्यस्तता है। एक दिन में 2000 तो चिट्ठियां आती हैं, मिलने वालों का तांता लगा रहता है। नेहरू जी के कथन पर टिप्पणी करते हुए मैंने कहा, हम जानते हैं कि आप बहुत अधिक व्यस्त हैं, पर हमें भी व्यस्त नेहरू जी की जरूरत है। हमारा भी मत है कि जो लोग व्यस्त रहते हैं वे ही काम कर सकते हैं। आपके सामने दूसरे दूसरे काम हैं, वैसे ही यह भी एक काम नहीं है क्या? मैंने यह बात कह तो दी, पर मन में आया कि नेहरू जी इसे विपरीत रूप में न ले ले। वह मात्र मेरे मन का संदेह था। उनका दृष्टिकोण उस दिन इतना विधायक रहा कि उन्होंने हर बात को ठीक ढंग से ग्रहण किया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। नेहरू जी ने भारत साधु समाज का प्रसंग उठाया। उनकी भावना थी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। मैंने कहा, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, जो साधु संत मठों और पैसों का मोह नहीं छोड़ पाते, उनके साथ हमारे जैसे अकिंचन साधुओं का संबंध कैसे होगा? नेहरू जी बोले, आपको उनके साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री गुलजारीलाल नंदा से मिले या नहीं? वे आपके काम के व्यक्ति हैं, हमारे साथ भी उनका संबंध है। मैं उनसे कहूँगा कि वे आपकी गतिविधियों से हमें परिचित कराते रहें। पंडित जी से बातचीत हो रही थी, उसी समय वहाँ सुपकरण दसानी आ गया। दसानी से उनका परिचय कराया गया। हम दिल्ली रहे या नहीं, हमारे कार्यक्रमों की अवगति प्रधानमंत्री जी को मिलती रहे, इस विषय में चर्चा चली तो पंडित जी ने कहा, आपके बारे में बात करनी हो तो किससे की जाए? मैंने दसानी की ओर संकेत किया। पंडित जी ने अपने हाथ से उनका नाम पता लिखा। पुनः साधु समाज की बात पर मैंने कहा, यह हमारा बना बनाया साधु समाज है, आप इसका उपयोग करें। पंडित जी बोले, अब मैं नंदा जी से कह दूंगा। त्रिदिवसीय अनुरोध सेमिनार, यूनेस्को के डायरेक्टर लूथर इवेंस के साथ मिलन, मैत्री दिवस का आयोजन, पंचशील आदि अनेक बिंदुओं का स्पर्श करती हुई हमारी चर्चा तेरा पंथ तक पहुंच गई। पंडित नेहरू को तेरा पंथ धर्म संघ का इतिहास और उसके कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मैंने कहा, तेरा पंथ में सैकड़ों साधु साध्विया साधना शिक्षा साहित्य कला आदि कार्य में रत हैं। हमने मानव कल निर्माण का जो नया काम उठाए हैं उसमें सबकी सहमति नहीं हो पाई। जो लोग परंपरावादी हैं वे लकीर से हटकर चलने की बात सोच भी नहीं सकते। हमने लकीर से हटकर काम करना शुरू किया तो संघर्ष छिड़ गया। अंतरंग संघर्ष का एक छोटा सा चित्र पंडित जी के सामने प्रस्तुत कर मैंने कहा, पंडित जी आप अनुभवी हैं, आपसे बढ़कर और परामर्शक कौन होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विचार भेद के कारण हमारे व्यापक कार्यों में बाधा पहुँचाई जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को साथ लेकर चलना चाहिए या उनका ऑपरेशन कर देना चाहिए? पंडित जी एक बार मौन हो गए। वे कुछ सोचकर बोले, आचार्य जी ये एक गंभीर मामला है। मेरा चिंतन यह है कि ऑपरेशन की बात झटपट नहीं सोचनी चाहिए। विचार भेद रखने वाले रखते रहें, जब तक काम में सीधी बाधा न पहुंचे अन्य उपाय का उपयोग हो सकता है। जब अंतिम स्थिति आ जाए, कोई रास्ता दिखाई न दे, तब ऑपरेशन की बात सोची जा सकती है। पंडित जी के विचार मुझे सारपूर्ण और उपयोगी प्रतीत हुए। मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा परामर्श दिया। स्वर्गीय पूज्य कालूगणी ने भी अपने अंतिम समय में ऐसी ही सीख दी थी। उन्होंने कहा, तुलसी संघ के सब साधु साधुया तुम्हारी शरण में हैं। इनका पूरा ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में आए सबके संयम निर्वाह का लक्ष्य रखना। किसी साधु साध्वी के संघ से संबंध विच्छेद के प्रसंग में विशेष सावधानी रखना। अपरिहार्य की स्थिति में ही ऐसा कदम उठाना। गुरुदेव के और आपके विचारों में साम्य देखकर मेरे मन में आया कि अनुभवी व्यक्तियों के चिंतन की धारा एक जैसी होती है। हमारा वार्तालाप प्राय संपन्नता पर था। अनुरत के कार्यक्रमों में उपस्थित होने की दृष्टि से पंडित जी बोले, मैं आपके वहां कब आऊं? इस पर दसानी ने कहा, आप जल्दी ही विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, आप लौट कर आए, तब तक आचार्य श्री को दिल्ली रुकने का अनुरोध करें क्या? पंडित जी बोले, मेरे लिए आचार्य श्री को मत रोकिए, मैं विदेश जाने से पहले आना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी डायरी खोली, आगे पीछे की तारीख देखकर उन्होंने कहा, मैं 13 दिसंबर को 3 बजे आ सकता हूँ। पहले ये तो बताइए कि आप ठहरे कहाँ हैं? मैंने कहा, प्रतिदिन जिस रास्ते से जाते हैं उधर बाराखंबा रोड पर हमारा प्रवास स्थल है। यह बात सुन
पंडित जी एक बार चौंक कर बोले, मैं कहाँ जाता हूँ? मैंने कहा, संभवतः आप डॉक्टर के पास जाते हैं। पंडित जी को जैसे कुछ याद आ गया हो, वे विस्मय की मुद्रा में बोले, हाँ दांतों में तकलीफ है, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाता हूँ। आप वहाँ कहाँ ठहरे हैं? मैंने कहा, उसके निकट ही ठहरे हुए हैं, वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम हो सके ऐसा स्थान नहीं था। हमारे सहवर्ती कार्यकर्ताओं ने चिंतन कर स्प्रू हाउस का स्थान उपयुक्त बताया। पंडित जी ने वहाँ आने की स्वीकृति देते हुए कहा, यह स्थान आपके आवास स्थल से निकट है, यहाँ आपको भी सुविधा रहेगी। वार्तालाप संपन्न हो गया। हम जाने के लिए उद्यत हुए। हमारे साथ सैकड़ों भाई बहन आए थे। वे बगीचे में बैठे थे और पंडित नेहरू से मिलन के लिए उत्सुक थे। ये बात पंडित जी को बताई गई तो उन्होंने कोठी का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। हमने वहाँ से प्रस्थान किया तो पंडित जी कोठी से नीचे तक हमारे साथ आए। 9 दिसंबर को प्रातः पहाड़गंज में एक विशेष कार्यक्रम था। वहाँ जाते समय रामकृष्ण मिशन के कुछ साधु मिले, उनका एक आश्रम था, उनके अनुरोध पर हम आश्रम में गए। वहाँ एक बड़ा 800 कुर्सियों का सभागार था, नीचे के हॉल में लाइब्रेरी थी। रामकृष्ण मिशन के कई साधु हमसे बहुत परिचित थे, उनमें से वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। पहाड़गंज के बाद तेल मंडी में एक कार्यक्रम था, वहाँ स्थान अनुकूल नहीं था, फिर भी श्रोता अच्छी संख्या में थे। महाराष्ट्र के काका साहिब गाड़गिल उस दिन के प्रमुख वक्ता थे। कार्यक्रम संपन्न कर हम बाराखंबा रोड आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अशोक मेहता वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ अनुरोध के बारे में लंबी बातचीत हुई। बातचीत के लहजे से लगा कि व्यक्ति कुछ रुखे हैं, नैतिक आंदोलन की सफलता के प्रति संदिग्ध हैं और अपनी धारणाओं के घेरे में टिके हुए हैं। प्रभु दयाल जी डाबड़ीवाल के साथ उनके अच्छे संबंध थे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज लोग जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता आदि अनेक व्यक्तियों की प्रभु दयाल जी के साथ सहज निकटता थी। उनके माध्यम से ही वे हमारे निकट हुए थे। अशोक मेहता से हमारी बात पूरी हुई कि श्रीमन नारायण और मदालसा बहन पहुंच गई। उनके साथ हमारी खुलकर चर्चा हुई। पंडित नेहरू के साथ हुई बात उन्हें सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। श्रीमन नारायण बोले, आपने पंडित जी को साफ साफ कह दिया, बड़ी बात की। उनके साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के संबंध में आयोजित होने वाले अनुरोध सप्ताह के बारे में विचार विनिमय हुआ। उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए। अनुरोध की चर्चा जैसे जैसे व्यापक हो रही थी, नए नए लोगों से संपर्क का क्रम बढ़ रहा था। उस दिन मध्यान्ह में श्री एन उपाध्याय, संसद सदस्य सेठ गजाधर जी सोमाणी आदि ने दर्शन किए। दान दया आदि के संबंध में अच्छी चर्चा चली। रात्रि में केंद्रीय योजना मंत्री गुलजारी लाल जी नंदा आए। उन्होंने कहा, मैं आज प्रातः ही आपके पास आने वाला था, किंतु पता लगा कि उस समय आप प्रवचन करने बाहर गए थे। मेरा आपके साथ पुराना संपर्क है। नेहरू जी ने मुझे कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी अवगति मैं उन्हें देता रहूं। नंदा जी की बात सुन मैंने कहा, 5 वर्ष पहले आप मिले थे, उसके बाद मिलना नहीं हुआ। आपने जो भारत साधु समाज नामक संगठन किया है, उसके लिए आपको काफी समय देना पड़ता होगा। मेरे प्रश्न के उत्तर में नंदा जी बोले, हाँ, जो काम प्रारंभ किया है उसके लिए समय तो देना ही पड़ता है। पिछले दिनों पंडित नेहरू से आपका मिलन हुआ, उनके साथ क्या बात हुई? मैंने कहा, अनुरोध की गतिविधियों को नेहरू जी तक पहुँचाने का दायित्व आपका है। आप इस दृष्टि से समय कम निकाल पाते हैं, इसलिए उन तक पूरी बात पहुँच नहीं पाती। यह प्रसंग नंदा जी को रुचिकर नहीं लगा। नंदा जी, क्या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कोई बात सामने आए, किंतु यथार्थ को छिपाने का भी तो कोई औचित्य नहीं है। ओम अरहम।